हेलो फ्रेंड्स, काली फॉस एक ऐसी रेमेडी है जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में ब्यूटीफुली काम करती है। इसका एक्शन वाइड रेंज में है। दिस इज़ अ एंटीसोरिक डीप एक्टिंग मेडिसिन। तो आप समझ सकते हैं कि जो डीप एक्टिंग मेडिसिन है वो कितनी डेप्थ में काम करती है और किस तरह से हमारे पेशेंट के साथ डील करती हैं। काली फॉस का प्रिस्क्रिप्शन जो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है, दिस इज़ अ वंडरफुल प्रिपरेशन ऑफ अवर स्टालवार्ट, जिन्होंने भी इसका प्रूविंग किया, इसकी प्रिपरेशन करी। दिस अ वंडरफुल रेमेडी। और इसका अगर हम हायर पोटेंसी में यूज़ करते हैं, मोर देन 30-100, तो इसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा मिलता है। इसकी जो एग्रावेटिंग फैक्टर्स हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, दे आर वेरी पिक्यूलियर। और मेन इसका जो कॉज आप देखोगे किस वजह से इसकी जो सफरिंग होती है वो स्टार्ट होती है, तो लॉन्ग कंटिन्यूड जो ग्रीफ एंड सॉरो है, उस वजह से पेशेंट जो है दे आर इन साल्वेशन, दे आर इन हैप्पीनेस कंडीशन, और पेशेंट की सारी जो फिजिकल और मेंटल सिचुएशन है इसी से रिलेट करती है। फिजिकली आप देखोगे दे आर वेरी वीक, एनिमिक, वर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन, हमेशा थका हुआ, हारा हुआ, क्योंकि देर इज मेंटल एक्जर्शन, देर इज मेंटल लॉसेस, और पेशेंट को उस वजह से बहुत बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। एंड दे आर हैविंग ट्यूबरकुलोसिस, अगर उनको टीबी हो गया ऐसे पेशेंट्स को, बिकॉज उनका जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरह से लो हो चुका होता है। एंड वहाँ पे फिर टीबी की सिचुएशन मिलती है। एनीमिक क्लोरोटिक पेशेंट, पूरा जो फेस है वो आप देखोगे पूरा क्लोरोटिक हो जाएगा, एनीमिक हो जाएगा, एंड ग्रेट वीकनेस परसिस्ट, है ना, बहुत ज़्यादा वीकनेस उनकी बॉडी में रहेगी और ऐसा लगेगा कि जान ही नहीं है, टिकलिंग सेंसेशन पूरी बॉडी में रहेगा। मेनली जो लोअर लिम्ब है वहाँ तो रहेगा ही, पाम्प में भी मिलेगा उन्हें इस तरह का सेंसेशन। साथ में देयर इज ग्रेट सेंसिटिविटी, सेंसिटिव फॉर ऑल इंप्रेशंस, सेंसिटिव फॉर कोल्ड, कोल्ड का कोई भी इंप्रेशन हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, कोल्ड फूड हो, उससे एग्रावेशन हो जाता है। मेनली कोल्ड वेदर से और चेंज ऑफ वेदर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मॉर्निंग, इवनिंग एंड ओपन एयर इज द एग्रावेटिंग फैक्टर फॉर काली फॉस, लाइक पल्सेटिल। आप देखोगे कि इवनिंग में और ओपन एयर में, इवनिंग एग्रावेशन है बट ओपन एयर एब्रेलेशन है। यहाँ पर मॉर्निंग, इवनिंग एंड ओपन एयर, बोथ थ्री थिंग्स आर एग्रावेटिंग फैक्टर फॉर काली फॉस। मेंटल स्टेट की बात करें, देर इज ग्रेट फियर ऑफ डेड बॉडीज, डेड पर्सन, एविल, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिसीज, फियर ऑफ फ्यूचर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी मिलती है यहाँ पे, तो एंजाइटी अबाउट हेल्थ, एंजाइटी अबाउट मनी, एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, एंजाइटी अबाउट साल्वेशन, इस तरह की एंजाइटी और फियर उसको साथ में एसोसिएटेड होते हैं। एंड पेशेंट दे आर कंप्लीटली मोरोज, उनकी लाइफ में कोई फन नहीं रही है। सो देर इज मे बी सम मूड स्विंग्स लाइक लाफिंग अल्टरनेट विद क्राइंग, इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। एंड दे आर हैविंग ग्रेट अवर्जन टू आंसर, आंसर देने की बिल्कुल भी उनकी इच्छा नहीं करती है। और फैमिली मेंबर के साथ देर इज ग्रेट इंडिफरेंस टू सोसाइटी, सराउंडिंग्स, फैमिली, एंड देर इज एंटीपैथी विद हस्बैंड। जिस तरह से आप सीपीए को देखोगे कि इंडिफरेंस होती है और किस तरह से बिहेवियर पैटर्न होते हैं, देर इज एंटीपैथी विद हस्बैंड एंड ग्रेट यू नो बैड फीलिंग विद हिज और हर बेबी एंड फैमिली, एकदम जिसको बोलते हैं कि क्रूअल बिहेवियर अपने बच्चे के साथ करना, इस तरह का शिपिया में आप देखोगे देर इज ओनली इनडिफरेंस कि वो वहाँ पे काम कर रही है, बच्चे रो रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रही है। बट काली फॉस के साथ एक बहुत क्रूअल बिहेवियर पैटर्न आता है, शी वॉन्ट टू किल देम, शी वॉन्ट टू थ्रो देम, इस तरह के मेंटल फीचर हमें काली फॉस के साथ मिलते हैं। देर इज ऑल्सो ग्रेट एप्रहेंशन एंड देर इज ग्रेट अवर्जन टू सोसाइटी, दे वॉन्ट टू बी अलोन, अकेले रहना पसंद है, इनको कंपनी नहीं चाहिए, सराउंडिंग्स से पूरी तरह से इंडिफरेंस हो गए हैं। एक ऐसा फिक्स फेस हो जाता है कि समझ ही नहीं आता पेशेंट बुरा मान रहा है या खुश रहा है। सो देर इज ऑल्सो अ हिस्टेरिकल सिचुएशन वेयर पेशेंट विल लाफ और क्राई अल्टरनेट एंड दे विल डू सम काइंड ऑफ बैड बिहेवियर विद सोसाइटी, आंसर नहीं करना, बातें नहीं करना, एक फिक्स फेसिस जो समझ ही नहीं आता कि क्या चाह रहा है। सो देर इज मेंटल नर्वसनेस, देर इज ग्रेट होम सिकनेस फॉर फैमिली मेंबर, ऑल काइंड ऑफ मेंटल स्टेटस इज देयर, पेशेंट हैविंग ग्रेट ग्रेट अवर्जन टू फ्रेंड और फैमिली एंड दे वॉन्ट टू बी अलोन, ये सिम्टम आपको मैंने आपको शुरू में ही बताया और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई आई रिपीटेड इट। इसकी जो एग्रावेशन है आपको मैंने बता ही दिया कि मेनली मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट एंड ओपन ईयर में एग्रावेट करता है पेशेंट। ऑलवेज वॉन्ट कवरिंग से उसे रिलीफ मिलता है। मेनली आप देखोगे एनीमिक पेशेंट है, क्लोरोटिक है, तो यहाँ पर क्यों ऐसा है, क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम पूरी तरह से लॉस हो चुकी है बिकॉज ऑफ लॉन्ग सॉरो और ग्रीफ। तो यहाँ पर पेशेंट को बहुत वीकनेस होती है लोअर एक्सट्रीमिटी में, ही विल नॉट एबल टू वॉक इवन, तो उसे लगेगा कि सारे टाइम लेटे रहूँ, ऑलवेज वॉन्ट टू अ कवरिंग, कि ओढ़ करके, उसको कवर करके ही अच्छा लगेगा,
थोड़ी सी भी ओपन एयर या खुली हवा से उसे चीज़ें एग्रावेट कर जाती हैं। देर इज़ लॉन्ग कंटिन्यूड कोराइजा एंड फ्लुएंट कोराइजा, और जो कोराइजा है उसमें ओपन एयर से एंड कोल्ड से एग्रावेशन हो जाता है। वार्म्थ कमरी कवरिंग एमलोरेट दी सिम्टम ऑफ काली फॉस। सो दीज आर द पिक्यूलैरिटी और सिम्टम। जो मेंसेस हैं दे आर इरेग्युलर एंड स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन है, पूरा इम्यून सिस्टम का ही लॉस है, तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है पेशेंट्स में, एनीमिक पेशेंट है, एच पी भी कम है, तो देर इज स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन एंड सम कॉलिक जो है, एबडोमिनल कॉलिक के लिए भी काली फॉस इज़ अ वंडरफुल रेमेडी। मेरी जो इमोशनल अपसेट और फिजिकल का जो कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर, कि इमोशनल अपसेट की वजह से जो फिजिकल सिम्टम हुए हैं वहाँ पर काली फॉस वंडरफुली काम करती है, बिकॉज इट इज़ अ डीप एक्टिंग एंटीसोरिक रेमेडी। सो इसका जो वाइड रेंज एक्शन है हमें बहुत हेल्प करता है कि हम कई सारी बीमारियों में अगर मेंटल अफेक्शन साथ में हुए हैं और ये सिम्टोमेटोलॉजी मिलती है तो हम इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करे काली फॉस के सही प्रिस्क्रिप्शन में, और आपको समझ में आए किन सिम्टोमेटोलॉजी के थ्रू हम काली फॉस का सिलेक्शन करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।